कैंट तालुका के रावे गांव की ज्योति टावरी की शादी मई महीने में पनवेल के कासारभाट गांव के नीलेश म्हात्रे से हुई थी। पनवेल के करनाला बैंक में नीलेश काम करता है। शादी के बाद ज्योति की इसके पति और ससुराल वालों संग झगड़े होते थे। कई बार वह अपने मायके भी गई थी, पर हर बार इसके पिता बेटे के ससुराल छोड़ाने से बदनामी के डर से इसे समझा बुझा के ससुराल भेज देते थे। पर 6 दिसंबर को जब ज्योति की सास मालती म्हात्रे ने रसोई घर में विभूति की पुड़िया देखी तो ज्योति से इसका कारण पूछा तो ज्योति ने विभूति रसोई घर में रखने का कारण बताते हुए कहा कि मैं अपने ससुराल शादीशुदा जिंदगी और सुखे संसार के लिए लाई हूँ। इस पर दोनों की बहस हुई। मालती को भय हुआ कि ज्योति इस विभूति की पुड़िया ला के इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, जिसके बाद 6 दिसंबर के दिन इसके पति नीलेश, सास मालती और ससुर रामकृष्ण म्हात्रे ने इस पर केरोसिन डाल के इसे आग के हवाले कर दिया और कमरे में इसे पूरी तरह जलने के लिए छोड़ दिया। ही घटना 6 दिसंबर ला सकाळी 11:30 वाजता घडली आणि त्यावेळी तत्कालीन कारण असं घडलं की या घरामध्ये कासारभट गावामधल्या या रामकृष्ण म्हात्रे यांच्या घरामध्ये मालती ही सासू, नवरा नीलेश आणि सासरे असे हजर असताना एक विभूतीची पुडी स्वयंपाकघरामध्ये ज्या ठिकाणी स्वयंपाक केल्या जातो त्या ठिकाणी सासू मालती हिला सापडली। त्याबद्दल तिनं आपल्या सुनेला जाब विचारला तेव्हा सुनेने सांगितले की माझं वैवाहिक आयुष्य सुखाचं नाही, तर मला वैवाहिक सुख मिळावं यासाठी मी कोणाला पूजा अर्चा काय जी केली, विनंती प्रार्थना केली आहे त्याप्रमाणे ती विभूतीची पुडी किंवा अंगाऱ्याची पुडी आणलेली आहे। त्यावर सासूला राग आला आणि मालतीने तिला जाब विचारला की जर ही पुडी तुझ्या वैवाहिक सौख्यासाठी आहे तर ती तुझ्याजवळ ठेव किंवा तुझ्या उशाला ठेव, आमच्या जेवणाच्या खाण्याच्या पदार्थापाशी किंवा स्वयंपाकघरामध्ये तिचं काय काम आहे। आणि यावरनं मालती आणि नीलेश यांचा संशय असा बळावला की ही वशीकरणाची किंवा स्लो पॉयझनिंगची किंवा विषाची अशी कोणती तरी पुडी असावी की जेणेकरून आपला घात केला जाईल आणि त्यातून हा राग बळावला। ज्योति के पिता हीरामन टावरी ने पुलिस में अपनी बेटी को जला के मार देने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ज्योति के पति, सास, ससुर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। इन पर धारा 498 A 302 हत्या करना और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। या मध्ये फिर्यादी मयत ज्योति हिचे वडील हे फिर्यादी आहेत, त्यांचं नाव हीरामन टावरी असं आहे रावेगावचे। आणि यामध्ये या मयत ज्योतीचा नवरा नीलेश, सासरा रामकृष्ण म्हात्रे आणि सासू मालती म्हात्रे या सगळ्यांना अटक झालेली आहे। यांना 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जयतपाल के साथ योगेश पाटील की रिपोर्ट।